हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आपकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद आती है। यानी कि ये आपकी आदतों को लेकर हो सकता है, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन या जो आप कहते हैं, जो बोलते हैं, उन चीज़ों को लेकर हो सकता है। आप जिस तरह की सोच रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, जिस तरह का आपके चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, ये किसी भी बेसिस पर हो सकता है कि उन्हें आपकी कौन सी बातें बहुत पसंद आती हैं या उन्हें आपकी कौन सी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, उनके दिल को छू जाती हैं ऐसी बातें। जस्ट अ सेकेंड। तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें सभी के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, और जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसमें ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं करेंगे आप। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी जोड़ियक साइंस के लिए और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी देखेंगे ये रेजोनेट हो सकता है आपकी सिचुएशन के साथ। लेट्स सी कि यहाँ पर उन्हें आपकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। ओके, तो काफी सारे कार्ड्स हमने ले लिए हैं। व्यूअर्स देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा दिख रहा है कि उन्हें आपके अंदर ये चीज बहुत पसंद है व्यूअर्स, दैट यू आर नॉट समवन हु चीट्स और हु बिट्रेस। तो जो लॉयल्टी है आप में, जो हैं जैसे हैं आप, गुस्सा करते हैं नहीं करते हैं, कोई भी इशू है आपके अंदर, शक करते हैं नहीं करते हैं, जो भी बातें हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज आप एक लॉयल इंसान हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं, अपने स्पाउस के लिए या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल हैं। आप अपनी लाइफ में जिसके साथ भी एक अच्छे बॉन्ड में हैं, कनेक्शन में हैं, फिर चाहे वो फ्रेंडशिप क्यों ना हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स के लिए एक लॉयल्टी हो, या अपने सिबलिंग्स के लिए, या कलीग्स के लिए, जॉब के लिए, फ्रेंड्स, जो भी, आप हर तरह से एक लॉयल इंसान ही हैं। यू नेवर चीट, यू डोंट लाइक चीट, यू डोंट लाइक पीपल हु चीट्स। आप खुद तो चीट करते नहीं हैं, आपको चीटिंग पसंद नहीं है, और आपको वो लोग भी इतने ज़्यादा, ये उन लोगों की कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, उन लोगों का साथ इतना पसंद नहीं आता है जो लोग चीट करते हैं। ओके, तो यहां पर ऐसा दिखता है व्यूअर्स कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी को धोखा दे, बैकस्टैब करे, किसी को बिट्रे करे, डिच करे और चीट कर दे, ऐसे इंसान आप नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपकी ये बात उनके दिल को इतनी छू गई, इतना पसंद आती है उन्हें आपकी ये बात, कि ना कि सिर्फ आप खुद को चीटिंग से दूर रखते हो, इनफैक्ट आप ऐसे लोगों से भी डिस्टेंस मेंटेन करते हो जो चीटिंग को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि ये तो अपनी अपनी चॉइस है, या फिर ये कॉमन है, या फिर ये कोई चीटिंग नहीं हुई। कई लोग चीटिंग को जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं ये कोई चीटिंग नहीं हुई। तो आप ऐसे लोगों की संगत से भी दूर रहते हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। सो दे लव दिस थिंग अबाउट यू, कि आपका जो भी रिश्ता है, किसी से भी है, जैसा भी है, उसमें आप अपनी लॉयल्टी और
लॉयल्टी के साथ साथ ऑनेस्टी मेंटेन करते हैं तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है, और स्पेशली आपके प्यार के लिए उनको ये लगता है कि आप वैसे भी किसी को चीट नहीं कर सकते, और उनको लगता है प्यार में तो कभी आप धोखा देंगे ही नहीं, आप वो पर्सन ही नहीं हैं, उस टाइप के इंसान ही नहीं हैं आप कि किसी को प्यार में धोखा दें। नहीं करेंगे प्यार तो बोल देंगे नहीं है हमें आपसे प्यार, और करेंगे तो कहेंगे कि हमें आपसे प्यार है, बिना डर के कहेंगे। लेकिन किसी को घुमा फिरा के, झूठ बोल के, धोखा दे के अपने साथ रखना, या कोई अपने साथ है हम पर विश्वास कर रहा है फिर उसका भरोसा तोड़ना, वो सब आप नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटी उन्हें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी लगता है दैट उन्हें आपकी ये चीज़, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत इस चीज़ के फ़ैन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी अच्छा समझते हैं आपके अंदर कि आप ना एकदम से डिसीजन पर नहीं आते हैं, बट यू आर अ गुड डिसीजन मेकर ऑल्सो। तो यहाँ उनको ये दो बातें आपकी कुछ ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी हैं और थोड़ी डिफरेंट भी हैं एक दूसरे से। वो ऐसे कि एकदम से किसी डिसीजन पर नहीं आना, लेकिन जब एक डिसीजन लेना तो वो एक अच्छा डिसीजन लेना, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन हमेशा फ्रूटफुल हो, बेनिफिशियल हो, ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जिस जो भी डिसीजन फिर आप लेते हो उसको सही साबित करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हो, तो आपका वो वाला हिसाब है कि आप सही डिसीजन नहीं लेते, आप पहले डिसाइड अगर कर लेते हो तो फिर उसको सही प्रूफ करते हो, अपना 100% देते हो, अपना बेस्ट देते हो अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, या अपना डिसीजन जो है आपका वो रिग्रेटफुल ना लगे, गलत ना लगे, तो उसको सही साबित करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हो। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई डिसीजन जल्दी में ना लेना और सोच समझ कर लेना, दोनों तरफ की या हर तरफ की बात को पहले सुन लेना, समझ लेना। जैसे कहते हैं किसी को कोई डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को हर एंगल से स्टडी कर लेना, ज़्यादातर बिजनेस में ऐसा भी कहते हैं कि कोई प्लान करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी नई चीज़ को लॉन्च करना है, नहीं करना है, कोई नई पॉलिसी रखनी है, नहीं रखनी है, तो ये सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, ऐसे प्लान्स हैं जो हर एंगल से स्टडी होने चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बस उसी तरह से आपका भी तरीका है कि दोनों पक्षों की बात सुनते हो। अगर कभी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपके, आप और ऐसी प्रॉब्लम में दो लोग इन्वॉल्व हैं, यानी दो लोगों के बीच कोई मतभेद हुआ है, दो लोगों के बीच कुछ अनबन हुई है, तो उस सिचुएशन में भी आप दोनों का पक्ष जानोगे। ऐसा नहीं कि ये इंसान मेरा फेवरेट है तो मैं इसकी तरफ से बोलूँगा, ये मेरे जान पहचान के हैं तो मैं इनकी तरफ से बोलूँगा, ऐसा नहीं है आपका व्यवहार। आप दोनों तरफ की बात सुनकर ही किसी कंक्लूजन पर आओगे, या कोई डिसीजन लेना होगा किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी सिचुएशन के लिए, तो वो डिसीजन भी आप पहले सिचुएशन को हर एंगल से समझोगे, कहीं मेरे डिसीजन में किसी का नुकसान तो नहीं है, कहीं मेरे डिसीजन से किसी को हार्म तो नहीं होगा, कहीं मेरे ऐसा करने से किसी को दुख तो नहीं पहुँचेगा, हर तरह से देख संभाल के फिर निर्णय पर आते हो। तो ये बात उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती है कि चाहे आपका मूड कैसा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का मूड अच्छा हो हर वक्त, तो चाहे आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चाहे आप बहुत गुस्से में हैं, जो भी बातें हैं, लेकिन स्टिल आप इतना पेशेंस मेंटेन करते हैं कि थोड़ा रुक के थोड़ा समय लेकर डिसीजन लेते हैं, तो उन्हें बात बहुत अच्छी लगती है। साथ ही साथ जैसे आंखों पर पट्टी बंधी है, तो जैसे आपने देखा होगा जो कोर्ट्स होते हैं उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि कानून की देवी किसी को बनाया जाता है, एक मूर्ति होती है, उनको कानून की देवी बोला जाता है, और उनकी आंखों पर ना एक ऐसे ब्लाइंड फोल्ड होता है, एक पट्टी बंधी हुई होती है, तो वह दर्शाता है कि कानून जो है वो किसी को फेवर नहीं करता है। इसीलिए कानून का तो मतलब ये बंद होती हैं आँखें, कवर्ड होती हैं, वो सिर्फ लॉ और कानून सिर्फ लॉ और रूल्स के बेसिस पर चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे चलता है, वो अपना पराया नहीं देख सकता। ओके, तो बस बिल्कुल आप भी उसी तरह से जस्टिस में हैं, अपना पराया नहीं देखते हैं, हर एंगल से स्टडी करते हैं, हर चीज़ को सुनते समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं, लेकिन फिर जो डिसीजन लेते हैं उस पर अटल रहते हैं, उस पर दृढ़ रहते हैं, यानी कि ऐसे ही कोई भी आया गया
आपको आपके डिसीजन से हटा नहीं सकता। जैसे कई लोग होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छी कन्विंसिंग पावर होती है, या फिर उनकी वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करने की भी पावर रखते हैं। तो ऐसे लोग भी आपके आगे इतनी ज़्यादा टिक नहीं पाते, क्योंकि आपका जो निश्चय रहता है, जो डिसीजन रहता है, वो दृढ़ निश्चय रहता है। आप जो भी डिसाइड कर चुके होते हैं, डगमगाते नहीं हैं, या हम कहें कि अपने शब्दों से पीछे नहीं भागते हैं, पलटते नहीं हैं अपनी बातों से। जैसे 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 कोई परेशानी में है तो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई अपनी लाइफ में ठीक से जी रहा है, उसको बोलते हैं, अरे कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बोलना, आप मैं आधी रात में भी आपके लिए हेल्प के लिए रेडी रहूँगा या रहूँगी। और जब सही में दिक्कत आ जाती है तो फिर ऐसे वक्त में बोलते हैं, अरे एक्चुअली मेरे पास गाड़ी नहीं है, या मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है, मैं आऊँ कैसे, क्योंकि घर पर ये है वो है। कहीं ना कहीं आप ऐसे इंसान नहीं हो जो बोल दो और फिर पीछे हट जाओ, कहा है तो करोगे। तो पीछे हटने वालों में से आप नहीं। या जो डिसाइड करते हो वो एक स्ट्रांग डिसीजन होता है, और ये आपके आसपास वाले लोगों को भी समझ में आता है कि अब उसने ठान लिया है, अब वो जिद पर आ जाएगा या जिद पर आ जाएगी, उसकी बात को नहीं बदल सकते। तो आपके आगे लोग सरेंडर कर देंगे, अपना ओपिनियन चेंज कर लेंगे, अपना डिसीजन चेंज कर लेंगे आपके आगे, लेकिन आपका नहीं करवा पाएंगे। तो ये कभी कभी जिद अच्छी भी होती है, क्योंकि एक सोल्जर जैसी है, जैसे जैसे कोई सोल्जर है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो इतना कॉन्फिडेंट है भी, क्योंकि अपने डिसीजन पर अटल रहना, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी इन्फ्लुएंस कर रहा हो, कुछ भी ओपिनियंस दे रहा हो, उसको चेंज ना करना, उस पर टिके रहना, ये भी एक बड़ी बात है। स्टैंड योर ग्राउंड्स, ओके। तो ये बात आपके पर्सन को आपकी बहुत भाती है कि आपने अगर किसी बात का भरोसा दिलाया है, या आपने अगर कोई बात अपने से कही है, तो वो बात तो पक्की हो गई कि आप मुकर नहीं जाएंगे, मना नहीं कर देंगे बाद में। या तो आप बोलेंगे ही नहीं किसी को कि अगर मेरी हेल्प चाहिए कभी भी तो मैं तैयार हूँ। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है, बातें तो कोई भी हो सकती हैं एक्स वाई जेड, लेकिन आप वो बातें फालतू में नहीं बोलेंगे कि जस्ट बिकॉज आप वहाँ पर हेल्पफुल लगे, कूल लगे, अच्छे लगे, नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे ही नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप बोलेंगे नहीं। इनफैक्ट सामने से भी कोई आपसे कहेगा कि आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, और अगर आपके बस का नहीं है तो भी आप उसको मुंह पर मना करोगे बिना संकोच के, क्योंकि आप किसी को अंधेरे में नहीं रखोगे, किसी को धोखे में, किसी को झूठ में नहीं रख सकते। तो अगेन वही बात है कि एक तो फेयर हो आप बहुत ज़्यादा, ऊपर से अपने डिसीजन से या अपनी बातों से मुकरते नहीं हो, फ्लिप नहीं करते हो बहुत जल्दी, और जो भी लाइफ में डिसीजन लेते हो वो सारे एंगल से स्टडी करके, और या फिर कौन सही है कौन गलत है कुछ भी अगर डिसाइड करते हो तो भी दोनों पक्षों को सुन के, तीन पक्ष, दो पक्ष, जो भी सिचुएशन है, उन सबको सुन के समझ के ही किसी निर्णय पर आते हो। ये सब चीज़ें उन्हें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। ये ऐसी चीज़ें व्यूअर्स जो इंसान के कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। जैसे इंसान बहुत लॉयल है, उसके साथ साथ इंसान बहुत फेयर है, बहुत जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन है, जस्टिस पसंद है उसे हर सिचुएशन में, वो फेवर नहीं करता किसी को जब बात आती है गलतियों की सज़ा की या पनिशमेंट की, वो फेवर नहीं कर सकता किसी को, वो गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो जल्दी में इमोशनल होकर या गुस्से में डिसीजन नहीं लेता। देखिए व्यूअर्स, जो ये दो लोग होते हैं ना, जो भावुक होकर डिसीजन लेते हैं या बहुत गुस्सा होकर डिसीजन लेते हैं, गुस्सा होकर या बहुत रो कर, दुखी होकर या बहुत एक्साइटेड होकर, ये जो तीन तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, फ्रूटफुल नहीं होते हैं। आगे जाकर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे डिसीजंस की वजह से इंसान को रिग्रेट भी होता है और बड़ी भारी समस्या उठानी पड़ती है, बड़ी भारी भी नहीं तो तकलीफें बहुत होती हैं। तो कभी कभी बहुत लोग एक्साइटेड होते हैं तब भी बहुत सारे वादे करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जब बहुत भावुक होते हैं तब भी बहुत सारे वादे करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तब भी सेम चीज़ करते हैं,
तीनों में ही आगे जाके बात बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, या तो ये होगा कि वो डिसीजन पर आप लोग कायम नहीं रह पाएंगे, आपको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ओके। और अगर आप उस डिसीजन से हटेंगे नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट भी फेस कर सकते हैं। तो ये तो अलग बात रही, और उन्हें आपके बारे में क्या पसंद है। द बेस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ रिस्पेक्ट। जहां पर भी, जिस भी ग्रुप ऑफ पीपल में आप हैं, जहां पर भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, अगर आपको ऐसा फील हो गया कि आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी अनवांटेड है, यानी कि जरूरत नहीं है कि आप वहां हो, आप वहां क्यों ही हो, किसको जरूरत है, कौन चाहता था कि आप वहां पर हो, तो ऐसी जगह से आप जाना ही पसंद करेंगे या ऐसी जगह से दूर रहना ही पसंद करेंगे। वेयर योर प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, योर प्रेजेंस इज अनवांटेड। तो जहां पर आपकी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है, जहां पर आपकी प्रेजेंस की कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यू वोंट स्टे इन दैट प्लेस फॉर लॉन्ग, एंड मे बी यू वोंट गो टू सच प्लेसेस कि जहां पर आपके प्रेजेंस की वैल्यू नहीं है। कई बार ऐसा होता है ग्रुप ऑफ पीपल में एक दो इंसान ऐसा होता है, या एक भी ऐसा कह सकते हैं, जिसकी बात कोई सुन नहीं रहा ग्रुप में, या वो खड़ा होकर चुपचाप खड़ा भी है चुपचाप, तो उसको कुछ पूछ नहीं रहा कोई, बोल नहीं रहा कोई उसकी बात को, या वो कुछ बोलना चाह रहा है तो उसकी बात को काट रहे हैं बार बार, उसे बोलने नहीं दे रहे, तो उसको फील हो जाता है कि ये सब लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मेरी बात की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या मुझे हल्के में ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, शायद मैं इनके लिए मैटर नहीं करता हूँ, शायद मैं इनके लिए इतना ज़रूरी नहीं हूँ, समझ जाता है वो इंसान। लेकिन कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइडलाइन करके वहाँ खड़ा ही रहता है कि चलो अब ग्रुप में फिट इन होने के लिए हाँ हाँ करते रहो और चुपचाप रहो, खड़े रहो या जो भी है। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बात प्यार की भी करें तो जहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी हर्ट होगी, जहाँ पर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, जहाँ पर आप जो रिस्पेक्ट, जो केयर, ये जो अटेंशन, जो बेसिक होता है वो डिजर्व करते हो, अगर वो आपको ना मिले तो आप वहाँ से ग्रेसफुली जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह से वहाँ चुपचाप रहकर खड़े होकर और अपमानित नहीं होते रह सकते। जैसे कोई आपके घर गेस्ट आया, अब वो बैठा हुआ है और आप में से कोई भी उसके पास नहीं जा रहा, उससे बात नहीं कर रहा, ओके, और वो अकेला बैठा दिया उसको आके कि आइए बैठिए और बैठे रहिए, और अपने कामों में लग गए, सब लोग अपने काम में लग गए, अपने रूटीन में लग गए, और उसको कोई बात नहीं कर रहा और ना उनको कोई पानी के लिए पूछ रहा, तो उससे क्या होगा कि वो इंसान इतना डिसरिस्पेक्टेड फील करेगा कि अरे मेरी प्रेजेंस की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा आना ना आना इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या ये लोग तो मुझे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, मुझे ध्यान तक नहीं दे रहे, एक बेसिक अटेंशन, बेसिक जो यू नो मैनर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए नहीं है वो सब इनके मन में। तो वो इंसान वहाँ से आपको ये भी नहीं बोलेगा अच्छा मैं चलता हूँ, या बोलेगा तो भी बहुत बस निकलने के लिए वहाँ से, कि बस कैसे भी खड़ा होकर यहाँ से बाहर जाऊँ मैं, क्योंकि मैं और ज़्यादा ये बिहेवियर या और ज़्यादा ये डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ऐसी ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि आपको कोई सामने से अगर बहुत ज़्यादा आपकी पूजा करे ऐसा आप चाहते हैं, नहीं, बेसिक रिस्पेक्ट, बेसिक अटेंशन, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, ये बेसिक जो बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जो एथिकल और मॉरल्स, मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं उनके बेसिस पर एक अच्छा एथिकल बिहेवियर अगर आपके साथ कोई नहीं करता है, या आपकी प्रेजेंस को कोई इग्नोर करता है, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रखता है, ऐसी जगह पर आप जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसी जगह पर आपका अपमान होगा और आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट टॉप मोस्ट है। आप ऐसी जगह से चुपचाप चले भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप अपने अपमान के लिए लड़ेंगे, नहीं, वो लेवल भी नहीं है आपका, लेकिन आप उस जगह पर नहीं रहेंगे फिर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। तो ये बात आपके पर्सन को आपकी बहुत पसंद है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप जिस तरह से मेंटेन करते हैं वो सच में सीखने जैसा है। कई बार लोग डिसरिस्पेक्टेड हो जाते हैं, फिर उनको घर आके लगता है कि अरे उस पार्टी में तो मेरे साथ बड़ा ही डिसरिस्पेक्टिंग बिहेवियर हुआ है,
और उस समय उनको रियलाइज नहीं होता है, धीरे धीरे रियलाइज होता है बाद में, लेकिन आप इजीली सेंस कर लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो आप ऐसी जगह नहीं रहते। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपकी है, जो आप मेंटेन करते हैं, ये आपके पर्सन को बड़ी भाती है आपके अंदर, क्योंकि ये भी आपका एक पर्सनालिटी का साइड है कि आप ज़्यादा किसी की चाटुकारिता, चापालूसी ये सब नहीं कर सकते। आप रिस्पेक्ट देने और रिस्पेक्ट यू नो लेने में, यानी कि कहीं ना कहीं सम्मान में विश्वास रखते हैं कि आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलना भी चाहिए, और इससे ज़्यादा आप किसी को किसी को चाटुकारिता करके इम्प्रेस नहीं करना चाहते हैं, ये किसी ग्रुप में फिट नहीं होना चाहते हैं, या एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक पर्सन आपको लाइक करे, इसीलिए आप सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। यू आर नॉट लाइक दिस। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो कि कभी कभी कंफ्यूज किया जाता है ईगो से और सेल्फ रिस्पेक्ट से, आगे जो बात मैं कहने जा रही हूँ, ये कभी कभी कंफ्यूज किया जा सकता है आपके ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से, बिकॉज इन बोथ द कार्ड्स आई कैन सी कि यहाँ पर हायर सेल्फ एस्टीम है आपके अंदर। तो ये कभी कभी बहुत इंस्पिरेशनल और कभी कभी बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत एडमायरेबल लगता है कि ऐसा सम्मान इंसान के अंदर, ऐसा आत्मसम्मान होना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स कभी कभी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा भी लगे या लगता होगा कि ये इंसान घमंडी है, इनको पूछो नहीं 2 मिनट तो ये तो नाराज़ हो जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है कि कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं आपके इस व्यवहार को कि इतना किस बात का घमंड भाई, इतना किस बात का अहंकार है। तो थोड़ा सा लोग आपको एरोगेंस या ईगोइस्टिक भी समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर। हर कोई नहीं बोलता, हर कोई अच्छे वे में नहीं बोलता, अरे उसका आत्मसम्मान भी तो है उसका, कुछ कोई नहीं बोलता ऐसे, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं इसको बड़ा घमंड है, ये सुन नहीं सकता किसी की, ये बात ही नहीं मानता किसी की, तो वो क्रिटिकल वे में थोड़ा सा ये सब बोलते हैं, क्रिटिसाइज कर लेते हैं ये बात बोल के, लेकिन वो बात सम्मान की है, वो थोड़ा मिसइंटरप्रेट की जाती है या मिसअंडरस्टैंड की जाती है ईगो से। ओके, बिकॉज मैंने कहा ना आप वो नहीं है जो किसी की चापलूसी करेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है व्यूअर्स, कि अपनी लाइफ में आप बहुत रॉयल हैं या बहुत क्लासी हैं, और क्लासी रॉयल का मतलब ये नहीं कि लग्जरियस एक्सपेंसिव चीज़ें ब्रांडेड चीज़ें के पीछे भागते हो, ये वैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत रॉयल या क्लासी हो मतलब पर्सनालिटी वाइज, मैंने कहा कि जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है ऐसा लगता है जैसे आपको चीप चीज़ें नहीं भाती, जैसे कहीं पर अगर खाने जा रहे हैं कि अरे मैं बिल पे ना करूं, ये लोग कर दें, इनके ये बिल पे करें मैं एंजॉय करूं, आपको ऐसा लगता है दिस इज नॉट राइट, या जैसे कोई साथ में खड़ा है और वो थोड़ा सा पतला ज़्यादा है या उनका वेट ज़्यादा है या पतले हैं वो बहुत, कोई भी है, तो उसको लेकर खीकी करना या उनको लेकर गॉसिप करना या उनके वेट पर जज करना, उनको क्रिटिसाइज करना, ये हैवी है, ये पतले हैं, इनका ऐसा है वो, तो आपको ये भी चीप चीज़ें लगती हैं। ये सब चीप चीज़ें हैं आपके लिए कि इन सब चीज़ों के बारे में कौन बातें करता है, ये सब चीज़ें बात करने योग्य भी हैं ऐसा आपको लगने लगता है। कोई इंसान अगर ऐसी बातें करे कह रहे उनके पास तो वो बहुत रिच हैं, वो बहुत गुड लुकिंग हैं, अरे उनको डेट कर लो, वो बहुत पैसे वाले हैं, ये हैं वो हैं, तो आपको ये बातें भी बहुत चीप लगती हैं। जस्ट बिकॉज कोई रिच है, जस्ट बिकॉज कोई पैसे वाला है तो उसको डेट करो मतलब, तो आपको बहुत सारी बातें जो आसपास लोग नेचुरली तो नहीं कहना चाहिए, मोस्ट कॉमनली करते हैं वो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगता है एट टाइम्स, और डिस्गस्टिंग भी लग सकता है और चीप लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको फिर चीप लगती हैं। तो यहाँ पर ये सब मैं एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि आपकी पर्सनालिटी में ये रॉयल्टी है कि आप बड़े लेवल पर सोचते हो, और ये रॉयल पर्सनालिटी ही होती है कहीं ना कहीं जो फेयर डिसीजंस लेना चाहती है। आप में ना वो भाव है, चाहे आप कितने भी सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से क्यों ना हो, आप में भाव है राजा रजवाड़ों का,
जो राजा रजवाड़े होते हैं उनका भाव है आप में, या कह सकते हैं कि आपकी सोल वैसी है। हो सकता है आप किसी पास्ट लाइफ में इस तरह के किंग फैमिली से हो सकते हैं, यू नो राजा और एम्परर उनकी फैमिली से हो सकते हैं, या खुद किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं किसी पास्ट लाइफ में, क्योंकि वो गई नहीं है आपके अंदर से वो क्वालिटी जो फेयरनेस जस्टिस मेंटेन करने की है, या कहीं ना कहीं चीप और डिसगस्टिंग चीज़ों से दूर रहने की है, शॉर्टकट्स अपनाना यू नो, और कहीं ना कहीं समझ रहे ना, जो चीप चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से आप दूर रहते हो, और चीप का मतलब आप समझ गए, जो डिस्गस्टिंग चीज़ें होती हैं वो आपको एंटरटेन नहीं करती। जैसे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के कैरेक्टर के बारे में कहेंगे, या किसी के अपीयरेंस के बारे में कहेंगे, किसी के सेक्सुअलिटी के बारे में कहेंगे, और फिर जज करेंगे, गॉसिप करेंगे, तो आपको ये सब डिस्गस्टिंग लगता है। ये टॉपिक बहुत सारी ऐसी बातें आपको डिस्गस्टिंग लगती हैं, आपको वर्थ नहीं लगता इतना कि इनके बारे में लगता नहीं है कि इस बारे में कोई बात होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत रॉयल पर्सनालिटी है आपकी, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, बहुत रॉयल पर्सनालिटी है और बहुत एथिक्स और वैल्यूज से चलने वाले आप इंसान हो नेचुरली। ऐसा नहीं है कि आप सारे भाई बहन ऐसे होंगे, और ऐसा हो भी सकता है कि आप सारे भाई बहन या आप सारे कजन्स भी ऐसे हों, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मुझे स्पेशली लगता है क्योंकि आपकी वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकती है इस रॉयल टच के साथ। ओके, जिस तरह से आप उठेंगे बैठेंगे एक उस पर क्लास होगा। ओके, जैसे कोई अगर आपको नहीं भी जानता है तो पूछ सकता है कि ये कौन है, कहाँ के हैं, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका, आपके एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग स्पीक्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। तो आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप चीप डिस्गस्टिंग चीज़ें नहीं करते हैं, किसी से जेलस हो जाएंगे तो उसके बारे में बिचिंग करें, ये सब नहीं पसंद आपको, आपको क्लासी रहना पसंद है। और ये बात आपके पर्सन को आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आप यहाँ पर उस क्लास को, उस रॉयल्टी को ज़बरदस्ती मेंटेन नहीं करते हैं, वो नेचुरली आप में आता है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ देखी जो आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत पसंद आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई फ़ैन है इन चीज़ों के, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बढ़ते समय तक, यानी कि डे बाय डे धीरे धीरे आपके अंदर नोटिस की है। एक ये बात तो है इस इंसान में, ये बात तो है इस इंसान में। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बुराई नहीं नोटिस की होगी उन्होंने, की होगी, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ उन चीज़ों को लेकर रीडिंग की है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। ओके, तो बुराई लगती होगी, कोई ना कोई बात ऐसी होगी। मैंने कहा ना, एक बात मैंने फिर भी कह दी कि कई लोग आपके सेल्फ रिस्पेक्टिंग बिहेवियर को, इस रॉयल बिहेवियर को कभी कभी बहुत ईगोइस्टिक या बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए, जो रॉयल बिहेव करेगा, जो अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा हो सकता है, जो कहीं ना कहीं एक राजा रजवाड़ों वाले एटिकेट्स रखता है, या ऐसा बिहेवियर या ऐसा उसका कंडक्ट है लाइफ का, तो लोगों को लगेगा ही कि घमंडी है। क्योंकि जो किंग क्वींस होते थे, कभी कभी लोग सोचते थे कि ये बड़े अपने अभिमान में जीते हैं। तो वो भी हो सकता है कि लोग थोड़ा मिसइंटरप्रेट करते हैं या गलत समझ लेते हैं आपके उस व्यवहार को। या सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है, या मैं कहूँ कि क्या सच में अगर आप ऐसे ही हैं, अगर आपकी पर्सनालिटी से चीज़ें मैच करती हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है। और आप कमेंट करके बताइए कितने परसेंट रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपके सिचुएशन से, और थोड़ी भी हेल्पफुल है, ओके, थोड़ी भी रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।